हाय, आई एम यशवर्धन। आज संडे का दिन है और मैं और देवेत आए हैं। देवेत के स्कूल के पास ही लगा हुआ ये फॉरेस्ट है, वहाँ आए हैं। और आज की टीचिंग्स ये हैं पेरेंट्स के लिए। जैसे मुझे नेचर के साथ रहना बहुत पसंद है और उस तरह से देवेत को भी धीरे धीरे नेचर के क्लोज रहना अच्छा लगता है। बट यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई आई चूज नेचर, बिकॉज कि नेचर को लेकर के बहुत सारी कंसर्न्स हैं सभी को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के हैं और बायोडाइवर्सिटी को लेकर के बहुत सारी कंसर्न्स हैं। क्वेश्चन एक यहाँ पर ये रेज होता है कि क्या मैं अपने बेटे को सिर्फ किताबों में पढ़ा करके बोल सकता हूँ कि बेटा आपको इस नेचर को प्रोटेक्ट करना है, इसको कंजर्व करना है, इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि मैं खुद नेचर से दोस्ती करूं, देन जब मेरी नेचर से अच्छी दोस्ती हो जाएगी, जब मैं नेचर के क्लोज जाया करूंगा, उसके साथ रहूंगा, इस बायोडाइवर्सिटी को इसका आनंद लूंगा, इससे दोस्ती करूंगा, तो तय मानिए कि मेरी फ्यूचर की जो जनरेशन है, लाइक मेरा बेटा या उसके बच्चे भी, वो लोग भी इस नेचर के साथ तादाद में बैठा लेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी इस तरह के फॉरेस्ट एरियाज में जाया करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करने का एक विचार अपने अंदर रखेंगे। देवे थोड़ी देर एकदम शांत रहना बेटा, कुछ नहीं बोलना। और आप सब भी जरा इस नेचर के बीच में, हम जब थोड़ी देर के लिए एकदम शांत होंगे तो आप ध्यान से सुनिए कितने सारे पक्षी हैं, कीड़े हैं। देखिए पीकॉक की आवाज़ है, कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो मेरे लिए भी अननोन है, जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। तो राइट, यहाँ मेरे एक फ्रेंड हैं इश्तियाक भाई, जिन्हें हम बोलते हैं, वो मदद करते हैं। हम कई बार दिल्ली में जब रहे हैं तो राइट वहाँ हम सुंदर नर्सरी जाते हैं और वहाँ बर्ड वॉचिंग में काफ़ी कुछ वो सिखाते हैं हमें, तो देवित को मैं वहाँ भी लेके जाता था। राइट देवित, हम और आगे चलें? हम आइए और आगे चलते हैं वहाँ केरवा की तरफ। ठीक है, आइए और हम आगे चलते हैं। और तो ये पेरेंटिंग के तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ मैं आपको नेचर नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि छुट्टी का दिन हो तो अपने बच्चों को ऐसे लेके जाइए नेचर के नज़दीक और वहाँ पर भी उनको नेचर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाइए। दोस्तों एक जगह हमें और मिली, यहाँ पर इस तरह के पत्थर कभी निकलते रहेंगे, खदान रही होगी इन पत्थरों की, तो हम वहाँ पर भी रुके हैं। और देखिए, हम किताबों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं। कभी एक यहाँ पे माइन रही है जहाँ से इस तरह के पत्थर निकाले जाते रहे, तो हम वहाँ आ गए। आ जाओ काम, वहाँ से नहीं कूदना, थोड़ा नीचे आओ, इस पे आओ, इस वाले पे आओ, देवित उस पे आओ, यस आओ आओ आओ, धीरे से आओ, कोई बात नहीं, घबराते नहीं, हाँ कहीं से भी आओ, आ जाओ, ध्यान से आना, बस संभल के आओ, इधर से आओ, ऐसे आओ, बैठने की जरूरत नहीं, आराम से आ जाओ, हाँ ऐसे, कोई बात नहीं, आओ, हाँ कोई बात नहीं, आओ आओ, शूज हैं, आप स्लिप नहीं होगे, कम जल्दी आओ, और आओ, इधर आओ, चलो अब यहाँ से नीचे उतरो, कूद जाओ, इसको पकड़ के उतरो, आराम से सहारा लेके आ जाओ, हाँ गुड, ये हुई ना बात। कोई बात नहीं यार, जूते तो धुल जाएंगे, बट ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं सीखोगे ना तुम तो। राइट फ्रेंड्स, तो ये भी पेरेंटिंग का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है कि बच्चों को फील्ड में लेके जाएं और फील्ड में उनको उनकी मस्ती करने दें। देखिए चिंता मत करो, लेकिन ध्यान से करना, स्लिप मत होना, कहीं गिरना नहीं। आओ देखो, तो मैं दिखाता हूँ कि पत्थर कैसे तोड़ा जाता है, निकाला कैसे जाता है, तब इस तरह के ये निकलते हैं और हम इनको बिल्डिंग में, देखो यहाँ देखो, ये देखो दिवित, यहाँ देखो, कम 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 कम, इनको पार्ट्स में कैसे करते, देखो यहाँ ड्रिल करते हैं, देखो इसमें, ठीक है, इस तरह से छेद बना के होल कर करके ना ड्रिल करते हैं, और ये देखो ये दरार दिख रही ना, ऐसी दरारें पड़ती, सेम यहाँ देखो ये इस तरह से, ठीक है ना, क्लियर है। फिर ये बड़े बड़े रॉक निकलते हैं और फिर इसको काटा जाता है।
हाँ चढ़ जाओगे, ट्राई करो। यस गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, चढ़ो चढ़ो। यस गुड, वेरी गुड। ये देख रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें से ना बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उनको लगता है कि वो खुद कर सकते हैं। यस मैं भी आ रहा हूँ, राइट मैं भी आ रहा हूँ। ओके ओके राइट, मैं भी चढ़ गया। मजा आता है पत्थरों पे पार्कोर करने में। ओके तो आप क्या एडवाइस करेंगे और पेरेंट्स को कि उनको अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए, करना चाहिए? ध्यान से बेटा, बस हमेशा ध्यान रखना। यस यहाँ से जा सकते हो, जाओ जाओ जाओ। हाँ अपने आप जाओ, अपने आप जाओ, बैठ के धीरे धीरे जाओ। गुड जाओ जाओ, आओ नीचे आओ। यस गुड, बैठ के आओ, चिंता मत करो कपड़े और जूतों की गंदे हो जाएंगे, वो सब धुल सकते हैं, नए ले सकते हैं हम, बट आपका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। गुड, यही ना बात। ये तो बहुत ईजी है। राइट अब देख रहे हैं आप, खासतौर से आज शहर के जीवन में बच्चे वीडियो गेम की दुनिया में खोए रहते हैं और उनको लगता है कि राइट वो जो भी कर रहे हैं वही सही है, और पेरेंट्स को कई बार चैलेंज होता है, मुझे भी होता है कई बार। मैं इसे समझाता हूँ कि बेटा 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना, तो कभी छुट्टी के दिन ये कई बार बुरा मान जाते हैं, या 30 मिनट्स ही क्यों रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आप, और दूसरी चीज़ों के लिए इतना नहीं बोलते हो। कह रहा उसने सुन ली मेरी बात, राइट? तो क्या 30 मिनट्स ठीक है, बताओ जरा। हाँ 30 मिनट्स ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, खराब हो जाती हैं। ओके ओके राइट, फिर से ट्राई करना, अब इधर से ट्राई करना है। मजा आया उधर से चढ़ के, इस पे भी जाओ, यहाँ से ट्राई करो, चलो स्लाइड है मस्त। हाँ जाओ जाओ, डरो मत, डरना मत, अपने आप को संभाल लेना बस। हाँ कहीं कुछ आगे की तरफ जाओ तो हाथ टिका लेना, डरते नहीं किसी चीज से। ओके बहुत ही ज्यादा आसान है। हाँ जाओ जाओ आराम से जाओ, एकदम स्लाइड लग रही है, तो नेचुरल स्लाइड। यस गुड, मजा आया, पता नहीं सक्के सक्के आ गए। अब इससे चढ़ के देखो यहाँ से चढ़ पाते हो कि नहीं, ट्राई करो। फ्रेंड्स देखिए, ये सब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, उनको लगता है कि यस वो छोटे, नहीं नहीं मैं सहारा दूंगा, ये पकड़ो हाथ मेरा। यस ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ यस गुड 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 गुड, मैं नीचे खड़ा हो जाता हूँ, वेट करो थोड़ा सा, वेट करो मैं आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। चलो अब आप नीचे नहीं आओगे, कम से कम जाओ, अब जो करना है करो, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं पकड़ लूँगा, जाओ कहीं से भी जहाँ से मन करे वहाँ से चढ़ो, मैं नीचे खड़ा हूँ, आपको गिरने नहीं दूंगा। यस गुड, अब देखो मैं यहाँ से चढ़ के आ रहा हूँ, आप देखना मैं कैसे चढ़ता हूँ। मैं तो उधर से टॉप के आ गया। ये देखो ये उधर से राइट, लेकिन मजा आया, इससे स्लाइड जरूर कर लूंगा। हाँ ये मैं राइट, ये देखो यहाँ से भी उतरने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है? पहले मैं दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है, यहाँ से मैं नीचे उतर के दिखा रहा हूँ, फिर बाद में दिवित आएगा। राइट बिल्कुल आराम से बैठ के आओ, वहाँ जाओ। गुड यस, चलो आगे आओ। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। और इधर सब कूद जाऊंगा। हाँ आ जाओ, ये बात ये हुई ना। तो राइट अब ये बताओ कैसा लगा, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अदर पेरेंट्स को कि उनको अपने बच्चों को लाना चाहिए इस तरह की साइड्स पे? हाँ, क्योंकि पत्थरों पे पार्कौर करना। कम आओ इधर आओ, आपको डे ट्री दिखाता हूँ, इधर आओ। देखो एक दिन हमने याद है हम जब इंदौर उज्जैन जा रहे थे तो रोड पे किनारे वो बेर वगैरह बेच रहे थे। यस दिस इज फीमर, ये देखो इधर आओ इधर आओ, ये दिखाऊं। ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना ये टीक है, इसके और नज़दीक से मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, दिस इज टीक। पलाश है क्या? नहीं पलाश ये है, ये वाला पलाश है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा सिमिलर, ये पलाश है, ये पलास है, ठीक है ना? और ये सारे टीक हैं, यहाँ जितने भी हैं तो सारा टीक का जंगल है। कम चलो नीचे नदी की तरफ चलते हैं। राइट ये यस कैक्टाई और कैक्टस, ओके चलो नदी की तरफ चलते हैं और आगे आराम आराम से चलना, हमेशा ट्रैक पे हमेशा नज़र रखना आगे की तरफ और अपने अगल बगल भी देखते हुए चला करें हमेशा। ओके यस यस, अरे बारिश में ना जब और तेज बारिश होगी, जब बहुत तेज पानी आएगा तो हम इस नदी के पास फिर से आएंगे। हाँ, तभी पूरा ये पानी से भरा होगा ये एरिया ना। राइट right.
तो तुम्हें ये अच्छी लगती है इस तरह के एडवेंचर करना? बहुत। क्या सारे बच्चों को अच्छे लगते होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो सोचता सब बच्चों को अच्छे लगते हैं। अच्छा, बच्चों को अच्छी क्यों नहीं लगते? ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो डरते हैं सब चीज़ों से? क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में सोचते हैं सब कुछ हो जाएगा, पर ऐसा कुछ सच नहीं होता। बेसिकली ये काफ़ी कुछ पेरेंट्स का रोल रहता है इसमें कि वो बच्चों को बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि दोनों ही वर्किंग अगर जहाँ पे होते हैं तो इस तरह की बहुत ज़्यादा सिचुएशन पैदा हो जाती हैं कि बच्चे बाहर कम निकलते हैं। कम आओ, हम वहाँ चले। वो छोटी सी स्ट्रीम देखो बह के आ रही है, बिल्कुल छोटी सी, यहाँ से बिल्कुल हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। कम आओ, इधर आओ, नदी में आओ। आओ, मैं बताता हूँ देखो कैसे क्रॉस करना। देखो मैं, आप मेरे साथ साथ आना। मैं पहले इस पत्थर पे पैर रखा, और ध्यान रखना है हिले डुले तो ध्यान रखना है, राइट। ये और ये ध्यान से आना है, बगैर डरे, डरने की कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे, आराम से आओ। अरे कुछ नहीं होगा, आप आओ, अपने अंदर भरोसा रखो और आ जाओ। यस, गुड। डरना मत, गीले भी हो गए तो क्या होगा। हाँ, आ जाओ, गुड, वेरी गुड, गुड। ये क्रॉस हो गया, चलो कम आ जाओ। इंडियन बियर गिल्स, ओके। वाओ, ये स्ट्रीम देखो कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, राइट दिवेत? क्या मिल गया भाई? वाओ, दिखाओ। ओ यस, यस असली है बेटा, लो रखना ही कलेक्शन आपको, ठीक है। मैं जब छोटा बच्चा था तो इस तरह के पत्थर वहाँ पे कहीं भी जाता था, नदी वगैरह में इस तरह के उठा लेता था, बड़ा अच्छा लगता था। सजावट में बहुत काम भी आते हैं। हाँ, आपको लेने तो ले लो, गाड़ी में रख लेंगे हम, दो चार पत्थर रखना, आप रख लो, नहीं। उठा लो आपको जो भी रखने हो। आओ, हम आगे से निकलेंगे, यहाँ से निकल, यहाँ। इनको एक शौक हुआ है, यहाँ पे पिट्ठू खेल रहे हैं, पिट्ठू खेल रहे हैं बैलेंस रॉक्स के ऊपर, रॉक रख के बैलेंस बना रहे हैं, बैलेंसिंग रॉक करके। वाओ, ध्यान से रखना, इसको कहाँ रखना चाहिए, इसके ऊपर या इसको नीचे? यस, गुड 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 गुड। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। और भी रखने हैं? चैलेंज, चलो रखो। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, हार नहीं मानते। चलो चलो चलो, फिर से ट्राई करो, आइए हम इसी साइड पे और आगे बढ़े तो वहीं एक रिप्टा है, नदी, ये रोड है। बड़ी अजीब तरह की ऑरेंज कलर की चींटियां हैं। चींटी नहीं बेटा, वो इंसेक्ट है, आप गूगल लेंस से उसे पहचानोगे तो पता चलेगा। और कम उतर के आओ, धीरे धीरे आओ, ऐसे आप सीखोगे बेटा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद अपने आप उतर सकते हो, अपने आप कर सकते हो, छोटे मोटे काम है। कम चींटियों के लिए तो जाइंट हो ही तुम, आओ जल्दी आओ, कुछ नहीं होगा, आप आ जाओ। कम, आप जब तक डरोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इतना कोई स्लोप इतना ज़्यादा नहीं है बेटा, आ जाओ प्लीज़, आ जाओ। नहीं, बिल्कुल स्लोली आना है, भाग के नहीं। कम, यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे आओ, यस धीरे धीरे आओ, अपना वेट अपना पीछे की तरफ रखना बस। कम, हाँ ऐसे ही आओ, ऐसे आओ, हाँ ऐसे ही आओ, धीरे धीरे, गुड। नहीं है बेटा, मैं वहीं से निकल के आया हूँ ना, इसलिए नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रहता, जब अलग तरह की बीटल्स है। हाँ, जब हम चलते हैं ना बेटा, वो अपने आप दूर हट जाते हैं, वो जो वाइब्रेशन होते हैं ना, ठीक है, जमीन पे, तो उससे चले जाता है कोई भी अगर रहता। कम आ जाओ, मैं आपके आगे आगे चल रहा हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की, डरने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। आओ कम, और ये देखो ये सामने लोगों के घर हैं, एकदम सेफ एरिया है यहाँ, ऐसा नहीं है कुछ भी, ये रोड है। वो रात में निकलता है, रात में पूरा एरिया बंद कर देते हैं, ठीक है। लोग अपने घर के अंदर घुस जाते हैं, सब अपने अपने गांव, जो गांव है ना यहाँ के, तो सब अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं, रात में रास्ता ही बंद हो जाता है, यहीं पे तो ये बैरियर लगा है, यहाँ फॉरेस्ट गार्ड बैठते हैं, राइट। तो कैसा लग रहा है अब? मस्त, जिंदगी बड़ी मस्त। तो दोस्तों हम लोग निकले थे कि राइट आज संडे तो पिकनिक, तो राइट तो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी साइट्स पे हम लोग रुक रहे हैं, यहाँ से केरवा डैम की तरफ हम जब जा रहे हैं। चलिए कम, हम अपनी गाड़ी के पास पे वापस चलते हैं और आगे। बट इस पूरी जो हमारी छोटी सी जो हमने आज जंगल नेचर ट्रिप रखी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कुल मिलाकर के दिवेत बहुत कुछ सीख रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है, मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है
कि ये एंजॉय भी करें और साथ साथ कुछ कुछ सीखें। चलिए जाइए, अपने आप ऊपर चढ़िए। इधर काफी इधर आलू, इधर पोटैटो बीटल है। पोटैटो बीटल है, इसका नाम पोटैटो बीटल है क्या? ये आलू के पौधों को हमने अंडे दिए थे। ओके, ओके। ये जो छोटी सी बीटल जा रही है, ये ऑरेंज कलर की? नहीं, वो ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट। ओके, नहीं मैं ऑरेंज वाली को, वो बीटल है सारी। ओके, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ जो बीटल्स हैं, कई तरह के इंसेक्ट्स हैं। मैं अगर उसको थोड़ा और ईजी कर दूँ तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर जब देख रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए चलिए, हाँ भैया आ रहा हूँ। चलो चलो, गाड़ी हटाना होगा, भैया को जाना है वहाँ से। कम आ जाओ, डरो मत। क्यों नहीं पकड़ते? ये देखिए, ये ना नीचे से चढ़ते वक्त हर चीज़ को बोलेंगे बड़ा मुश्किल है, और करके फिर कैसा लगता है? मस्त। चलो आ जाओ, कम। वो भी मेरे पास शूज है तो मैं कुछ ज़्यादा फिसलूंगा। यस, चलो गाड़ी में बैठते हैं और हम चलते हैं केरवा डैम की तरफ। सो अब तक हमने जितनी भी साइट्स पे रुके, हम कैसे आपके एक्सपीरियंस रहे? बहुत अच्छे। ओके, तो एंजॉय कर रहे हैं आप? स्पेशली इसको और वो पत्थरों के पार्कोर वाले को। अच्छा, क्योंकि इसमें मुझे दोनों वेरिएंट दिखे, पोटैटो बीटल्स के। पोटैटो बीटल्स देखा कि इन्होंने एक कीड़ा देखा है जो क्या, पोटैटो बीटल क्या पोटैटो पे अंडे देता है? हाँ, पोटैटो के लीफ पे अंडे देता है। ओके, मेल ब्लैक एंड व्हाइट होता है, फीमेल ऑरेंज होता है। क्या बात है। तो दोस्तों देख रहे हैं, तो आप भी अपनी पेरेंटिंग में ये सारी चीज़ों को शामिल कीजिए, बच्चों के साथ निकलिए बाहर। चलिए हम केरवा की तरफ जाते हैं और आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम केरवा जंगल कैंप पे आ गए हैं, और बट ये 9 बजे खुलता है, और यहाँ पर भी चार्जेस जो हैं वो ये हैं, तो कोई भी आ सकता है और यहाँ आकर के रुक सकता है दिन भर के लिए। पहले रात में भी होता था, अब रात में बंद कर दिया गया है। राइट, तो हम 10 मिनट वेट करेंगे अभी, एंड फिर हम ये टिकट घर, यहाँ से टिकट लेके हम लोग भी अंदर जाएंगे। एक पिकनिक स्पॉट है ये केरवा का। दिवित काफ़ी देर से कह रहे हैं कि यार पापा को ये एनिमल नहीं दिखा, तो हमने कहा भाई देखो, हमने गाड़ी बगल में लगाई, इस सामने जो पेड़ है इस पे है लंगूर, इंडियन बबून जिसे बोलते हैं, वो उछल कूद मचा रहे हैं। और मेरे पेड़ में भी चूहे चूहे हाथी गुड़गुड़ा रहे हैं। बुली मैं मत। ओके, देखो वो लंगूर है, एक डाल से दूसरी डाल पे कूद रहे हैं। तो राइट, आप शुरू कर दो अपना फिर। हाँ तो निकालो ना, खोलो ना यार, खाते हैं अपन अपना। हम लोग अपने घर से ब्रेकफास्ट लेके आए हैं, अंजलि दीदी आ गई थी मॉर्निंग में, टाइमली ब्रेकफास्ट दीदी ने बना दिया था, तो हम लोग लेके आए। और आलू का पराठा है आज हमारा, है ना, हमारी पिकनिक में। उसके पास उसका बच्चा भी था। ये देखो ये और बैठे हैं यहाँ पे, देखो छोटा बच्चा भी है, वो है, बेबी भी है। अरे यार, यस, बेबी लंगूर भी है। हाय कर रहा हूँ मेरी। ये देखो, ये मैं लंगूर की तरफ हाय कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखे जा रहे हैं। तो अब हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। हम लोग लगभग 8 बजे निकले थे, 9 बज गए हैं। 1 घंटे में हमने काफी कुछ आज चीजों को, हाँ मतलब कुल मिला के हम लोग ने एंजॉय किया। दिवेद, आपने एंजॉय किया? सो मच। कुछ नई चीजें सीख। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि दिवित और मेरी बातें आज आपको शायद अच्छी लगी होंगी। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हम लगातार इसी तरह से मैं और दिवित आपको लगातार मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और आप भी अपनी फैमिली को इसी तरह से समय देते रहिए। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।